वहीं बात अगली खबर की, फरीदाबाद बल्लभगढ़ हरियाणा रोडवेज एक बार फिर से घिरा सवालों के घेरे में। वहीं आपको बता दें, बल्लभगढ़ हरियाणा रोडवेज के क्लर्क पर लगा रिश्वतखोरी और मारपीट का आरोप। जी हां, आपको बता दें, बल्लभगढ़ हरियाणा रोडवेज में काम करने वाले एक कंडक्टर ने ही लगाया हरियाणा रोडवेज में काम कर रहे 3 क्लर्कों पर मारपीट और रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप। कंडक्टर ने बताया कि छुट्टी पास करने के एवज में सुनील नाम के क्लर्क ने उनसे 10,000 की मांग की है, जिसमें से कंडक्टर ने क्लर्क सुनील को 4,000 रुपये दे दिए और बाकी रुपये ना देने पर क्लर्क सुनील ने अपने अन्य और दो क्लर्क साथियों के साथ कंडक्टर संदीप की जमकर पिटाई कर दी। मैं हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा कंडक्टर नंबर 433 है। संदीप जी, आज आप कंप्लेंट लिख रहे हैं, वजह क्या है, क्या हुआ आपके साथ? वजह ये है सर, पिछली लास्ट ईयर 2018 की मेरी कुछ छुट्टियों का मैटर इस कार्यालय में लंबित था और उस मैटर की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए यातायात प्रबंधक ने मुझे बुलाया था। जी, उसके बाद क्या हुआ? तो जैसे ही मैं आया तो मैं महाप्रबंधक फरीदाबाद के कार्यालय के बाहर बैठा हुआ था, चेयर पे बैठा हुआ था। तभी वीरेंद्र कलरक, जो कि इस कार्य में कार्यरत है इस कार्यालय में, वो आए मेरे पास और बोले आप मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ चला गया और मैं जो स्थापना शाखा के साइड में एक छत है पूरी बड़ी, उस छत के ऊपर वो मेरे को लेके गया। तो वह उसके साथ साथ बलराज कलरक, उसके साथ साथ सुनील कलरक और एक फोर्थ ग्रुप डी का कर्मचारी साथ था, ठीक है। और तो तभी वीरेंद्र कलरक ने मेरे से पूछा कि भाई सही बता, तेरे से सुनील कलरक ने पैसे लिए थे? मैंने कहा हाँ भाई लिए थे। बोले कहाँ लिए थे? मैंने कहा अलमारी के पास इस कमरे के अंदर लिए थे, 4,000 रुपये लिए थे। किस एवज में लिए? छुट्टियां पास करने के एवज में 4,000 रुपये लिए थे। और बोले कहाँ लिए थे? मैंने कहा भाई अलमारी के पास लिए थे। तभी उसने मेरे को, सुनील ने मेरे अपना कुछ वो लेके मेरे हाथ में, एक हाथ में ये फाइल थी मेरी, और वो मेरे को मारता गया ताकि, और मेरी उंगली भी टूटी हुई है, मेरी उंगली में भी चोट आई है। जी ठीक है। जो 4,000 रुपये लिए थे वो किस लिए लिए थे और कितने रुपये और ज़्यादा मांग रहे थे? एक्चुअली मैं उस समय मेरा KVS का पेपर की तैयारी कर रहा था, तो मैंने छुट्टियां लगा दी थी डिपार्टमेंट में, वही मैं अपने पेपर की तैयारी कर लूँ, ठीक है। तब उस समय जब मैं छुट्टियां पास करवाने के लिए आया, तब सुनील कलरक बोला भाई GM साहब ने तो साइन कर दिए थे। सुनील कलरक बोला ऐसे छुट्टियां पास नहीं हो रही हैं, पैसे लगेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तब छुट्टियां पास होंगी, ठीक है। तब मैंने कहा भाई इतने मेरे पास तो पैसे है नहीं, बोला तो कहीं चला जाना, छुट्टी पास नहीं होंगी तेरी। तो फिर मैं भी मजबूर था भाई, चल कुछ नहीं, काम हो जाएगा। मैंने, उसने 4,000 रुपये सुनील ने मेरे से ले लिए।